सब्जी बेचने वाला का बेटा बना स्टेट टॉपर, बनना चाहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बिहार बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परिणाम जारी कर दिया है। हिमांशु राज ने 96.2% अंक के साथ परीक्षा में टॉप किया है। हिमांशु राज ने कहा कि उन्होंने इतने अंक पाकर संतुष्ट है और उन्हें उतने अंक पाने की ही उम्मीद थी। बता दें कि हिमांशु राज रोहतास के रहने वाले हैं। उनके पिता सुभाष सिंह ने कहा कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है। बिहार टॉपर हिमांशु राज रोहतास जिले के नटवर कला गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता सब्जी बेचकर परिवार का खर्चा चलाते हैं और उनकी माँ गृहिणी है। सुनिए इस सफलता पर हिमांशु और उनके पिता ने क्या कहा। पूरे मैट्रिक बिहार में टॉपर हैं। पढ़ाई की तैयारी कैसे की? पढ़ाई की तैयारी हमारी अच्छी थी। हम फिलहाल में डेली 15-14 आवर्स पढ़ाई किया कर रहे थे, और इसके लिए हमारे माता पिता, आस पड़ोस और मेरे भाई बहन सारे मोटिवेट किया करते थे कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, और हमारे मन लगन है इसमें। अच्छा बाबू, आगे क्या करना चाहते हैं, क्या सपना है? आगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। पिताजी आपके क्या करते हैं बाबू? पिताजी हमारे किसान हैं और 7, 8, 9 का ट्यूशन पढ़ाया करते हैं। सबसे पहले तो मैं किसी भी बच्चे की तैयारी के लिए उनके पेरेंट्स की जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उसी तरीके से मैंने एक मेरी बेटी भी है जो पिछले साल 88% यानी प्रखंड में नंबर 1 पर थी, ISC कर रही विक्रम से। तो उसी आधार पर मैं भी बेटी और बेटे के दोनों को अटेंड कर रहा था, प्रेरित कर रहा था। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि 90+ करेगा। क्या उम्मीद थी आपको कि आपका बेटा बिहार में टॉप कर जाएगा? क्योंकि टॉप होना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसी तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन टॉपर 10 में उम्मीद था कि जगह कोई मैंने बना पाए। आर्थिक व्यवस्था को किस प्रकार आपने मैनेज किया? आर्थिक व्यवस्था के लिए मैंने एक आज से नहीं, जब मैंने मैट्रिक किया उसी समय से आर्थिक स्थिति मेरी बहुत कमजोर है। एक मजदूर तबके का हूँ। अरे प्लीज हल्ला मत कीजिए ना। उसे मैं ट्यूशन पढ़ाया करता हूँ घर पर बच्चों को प्राइवेट। उस आधार पर मैंने इन लोग का हेल्प कर रहा था। तो खास करके मैट्रिक में तो कोई आर्थिक स्थिति से उतना कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आगे चल करके अब तो मुसीबत बन सकता है। इसके लिए मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगा। बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, आर्थिक स्थिति तो बीच में आएगी जी, उसके लिए मैं सरकार से भी कुछ गुजारिश करूंगा।